हेलो नमस्कार, कैसे हो आप? आज आप सीखेंगे क्लास 10 मैथ चित्र प्रकाशन, क्लास 10 मैथ चित्र प्रकाशन एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 5 में के ऑल खंड करते हैं। मित्रों क्या ऑल खंड करेंगे? मित्रों 5 में के आइए स्टार्ट करते हैं। यदि आपने हमारी वीडियो सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लें, जो वीडियो अपलोड करते हैं सबसे पहले आप देख सकें। नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। आइए प्रश्न पढ़ लीजिए। तो प्रश्न पढ़ लिया होगा, देखिए उकरा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। क्या प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए? देखिए तो इसमें ये मैं यहाँ से हल डाल देता हूँ। देखिए ये सवाल हो गया तुम्हारा, मैंने यहाँ से हल डाल दिया, तो मैं लिखूँगा एक्स प्लस के वाई माइनस के एक बराबर जीरो। समीकरण नंबर तो हो जाएगी अपनी एक, ठीक। और इस वाली को और छाप लेता हूँ। देखिए एक्स माइनस के वाई माइनस के चार बराबर जीरो, समीकरण नंबर होगी ये दो, ठीक है। ये बराबर थे, मैंने इधर को खींच लिए, तो मैंने समीकरण बनाने के लिए मैंने इधर को खींच लिए और बराबर क्या दिखा दिया मैंने, जीरो। जब इधर बराबर 14 है, जब इधर खींच लेंगे तो उधर जीरो बच जाएगा। ऐसे ही सेम समीकरण नंबर एक होगी, मैं लिखूँगा समीकरण नंबर दो से एक्स का मान एक में रखने पर, ठीक। तो देखिए ये एक्स बस ही है बराबर, ये माइनस का था उधर जाकर के प्लस का हो गया, ये माइनस का था उधर जाकर के प्लस का हो गया। उधर का मतलब मित्रों बराबर से उधर जाकर के, ठीक है। बराबर तो तूम्हारा एरिया, बराबर से जब इधर को कूदेगा तो उसका एरिया चेंज हो जाता है मित्रों। जो प्लस में चीज़ होती है वो माइनस में पहुंच जाती है, जो माइनस की होती है वो प्लस में पहुंच जाती है, ठीक है। तो मैं इस एक्स के मान को, इसको इस एक्स के स्थान पर रख दूंगा इसकी जगह, ठीक है। तो ये हो जाएगा चार प्लस के वाई, और माइनस नहीं मित्रों, ये प्लस के वाई, ठीक है। क्योंकि ये तो अपना एक्स का मान हो गया मित्रों, इतना एक्स का मान मैंने इस एक्स के स्थान पर रख दिया, ये रख दिया देखिए ये, ठीक। वाई और माइनस के 14 और बराबर जीरो, ठीक। तो यहाँ से देखिए चार और प्लस के कितने दो वाई और माइनस के 14 बराबर जीरो, ठीक। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, यहाँ से मित्रों माइनस के कितने बच गए बताइए, 10 बच गए, ठीक। और यहाँ प्लस के दो वाई बराबर जीरो, ठीक। तो दो वाई बराबर यहाँ पर देखिए 10 इससे कितनी बार गए मित्रों, 5 बार, ठीक है। तो वाई बराबर कितना बच गया, 5। तो यहाँ से आप देख रहे होंगे ये माइनस मतलब उधर जाकर प्लस का हो गया, जब गुणा मतलब भाग में जाएगा मतलब कटेगा, ठीक है। अब मैं लिखूंगा वाई का मान समीकरण नंबर एक में रखने पर, का मान समीकरण नंबर एक में रखने पर, ये क्या अपनी यही है। तो वाई के स्थान पे क्या रखना है बताइए, प्लस के 5 रखना है, ये 5 और माइनस के 14 बराबर क्या, जीरो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक्स माइनस यहाँ से कितने बच गए बताइए, 9 बच गए, कितने, 9 बराबर जीरो। तो एक्स बराबर कितना आएगा, 9 आएगा, ठीक है। तो एक आंसर ये हो जाएगा अपना, ठीक। आइए सेकंड खंड करते हैं, देख लिए एक बार। तो आपने सवाल पढ़ लिया होगा, मैंने भी लिख दिया एक बार। देखिए मैं इसको इक्वेशन नंबर एक कह देता हूँ, इसको हल करके इक्वेशन नंबर दो कह देता हूँ। देखिए तो यहाँ से मैंने मित्रों इस वाली इक्वेशन को एक नाम दे दिया और ये वाली इक्वेशन इसको दूसरा नाम दे दिया, ठीक है। मैं लिखूंगा यहाँ पर समीकरण नंबर एक से, समीकरण नंबर एक से, एक सॉरी एक से नहीं मित्रों दो से, क्योंकि ये दो से जो समीकरण है थोड़ी हल करनी पड़ेगी, ठीक है। मैं हल कर लेता हूँ, देखिए ना भी करोगे मित्रों जब भी आंसर वही आएगा। मैं लिख देता हूँ, देखिए समीकरण नंबर एक से एस का मान दो में रखने पर, रखने पर। तो देखिए एस बराबर 3, ये माइनस का उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, तो ये 3 प्लस के टी, ठीक है। इस टी के मान को मैं कौन से समीकरण में रख दूंगा बताइए, इस वाले समीकरण में। तो एस के स्थान पर 3 प्लस के टी रख दूंगा मैं, एस के स्थान पर क्या मित्रों, 3 प्लस के टी, क्योंकि हमने जो एस का मान निकाला अभी 3 प्लस के टी आया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये मैंने कर दिया, और बटे कितना है इसके नीचे 3 है, और प्लस टी बटे कितना 2 और बराबर कितना 6, ठीक। तो यहाँ से कैंची गुणा कर लेते हैं, इसके इसके साथ में कर लेता हूँ। देखिए 3 दूनी 6 और प्लस के 2 टी और ये प्लस के 3 टी बराबर कितना 6, और ये यहाँ पर भी 3 दूनी कितने हो जाए 6 बटे 1, इसके गुणा कर लेंगे फिर भी। देखिए 6 प्लस के, मैं
इसकी इसके साथ में जोड़ लेता हूँ, क्योंकि मित्रों ये एक ही समूह के हैं दोनों मित्रों ये, तो यहाँ पे 5T हो जाएगा 5T, और इसकी इसके साथ में कर लेंगे तो 6×6=36। ठीक, इसकी मैंने इसके साथ कर लूँ, गुणा करो या मत करो कोई फर्क नहीं, हम पर नहीं पड़ता, एक का गुणांक सभी में होता है। तो यहाँ से देखिए 5T=36 - 6, क्योंकि ये प्लस में उधर माइनस पहुँच गया, तो 5T = कितना 30 बज गया, इससे ये काट दिया तो कितनी बार कट गया, टी बराबर बताइए 6 बार ही कट गया, कितनी बार 6 बार। अब टी का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, देखिए टी का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर टी एस वैसे ही है, ठीक, माइनस टी के स्थान पर इतना 6, तो यहाँ पर 6 रख दिया, बराबर कितना 3 रख दिया, तो एस यू माइनस का उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, तो 6+3 तो कितना हो गया, एस बराबर 9 हो गया। तो मित्रों सेकंड खंड भी हम कर चुके हैं, आइए थर्ड क्वेश्चन करते हैं, पांचवें का थर्ड क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार आप ध्यान से। तो आशा करता हूँ कि आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। देखिए एक बार मैं यहाँ पर जो है कि प्रश्न दिया है, मैं इसे समीकरण नंबर 1 दे देता हूँ। देखिए 3x - y और बराबर 3, ठीक है, तो इसे मैंने समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया, ठीक है, इस वाली को और छाप लेता हूँ यहाँ पर। देखिए 9x - 3y = 9, समीकरण नंबर मैंने दूसरा नाम दे दिया इसे, ठीक है, मैं लिख दूंगा समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 से एक्स का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, कोई जरूरी नहीं मित्रों समीकरण नंबर 2 से एक्स का मान निकाल कर समीकरण नंबर 1 में रखने पर, कोई हम 1 का मान 2 में भी रख सकते हैं, किसी भी प्रकार से कर लीजिए, कोई हम पर फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने क्या करा समीकरण 2 से, तो यहाँ 2 के आपने 2 अपनी ये हो जाएगी, तो यहाँ से देखिए यहाँ से कुछ मैं बाहर ले लेता हूँ पहले। देखिए यहाँ पर 9x को मैं 9 को क्या लिख सकता हूँ, 3 × 3x भी लिख सकता हूँ, ठीक, -3y भी ये हो गया बराबर 9 वैसा का वैसा ही है। तो यहाँ से मैं क्या ले लूँगा, 3 बाहर ले लिया मैंने, तो यहाँ पर 3x बच गया, और यहाँ पर कितना 3 बाहर चला गया, तो यहाँ पर 1 बच गया, 1 हम लिखते नहीं केवल y ही लिखेंगे, और बराबर कितना 9 है ये 9। अब यहाँ से देखिए इस 9 ये 3 से 9 कितनी बार गया, मतलब 3 बार गया, तो ये 3x - y = 3 ये हो जाएगा अपना। अब यहाँ से फिर और हम हल करते हैं जरा आगे को, तो यहाँ पे देखिए मैं लिख देता हूँ समीकरण नंबर 2 से, मैं केवल इतना लिख देता हूँ मित्रों अभी, क्योंकि मैंने समीकरण नंबर 2 हल करी है यहाँ। तो यहाँ से मैं यहाँ से y, ये y अपना वैसे का वैसे है बराबर 3 भी वैसे, ये प्लस का था उधर जा करके माइनस का हो जाएगा 3x, ठीक, इसे भी हम पहुँचा सकते हैं, इस y को पहुँचा सकते हैं, ठीक है, उधर का कोई फर्क हम पर नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए ये y वहीं का वहीं, या ऐसा मान लीजिए y मैंने उधर को पहुँचा दी, क्या y को मैंने इधर पहुंचा दिया, तो ये 3x वैसा का वैसा ही रह जाएगा, यहाँ पर 3x वैसा का वैसा ही, और यहाँ पर भी ये 3 वैसा का वैसा ही, ये माइनस का था इधर जा करके ये प्लस का आ गया वाई, ठीक। अब यहाँ से देखिए एक्स बराबर 3+y और बटे 3, क्योंकि ये गुणा में था भाग में आ गया, ठीक है, मैं लिखूँगा एक्स का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर तो ये क्या अपनी ये समीकरण, तो यहाँ से देखिए ये 3 वैसे ही है, और यहाँ पर x के स्थान पे ये सब रखा जाएगा 3+y और बटे कितना 3, और यहाँ से माइनस के y बराबर कितना 3, ठीक है, तो इस 3 से ये 3 चला जाएगा, 3+y और माइनस के y और बराबर 3, ठीक है, तो ये y एक प्लस का एक माइनस का, तो ये गया, तो 3 = 3। देखिए जब सिचुएशन क्या a = b, ठीक है, ए बराबर b हो, तो मित्रों यहाँ पर देखिए x और y का मान सब रख, x और y खत्म हो चुके हैं, केवल जो बची है अचर संख्या बची है, तो इस कंडीशन में हम लिख देते हैं समीकरण के अनंत हल हैं, क्यों, क्योंकि मित्रों जब ये कंडीशन आती थी a1/a2 = b1/b2 तो अनंत हल होंगे समीकरण के, अनेक हल होंगे या अनंत हल होंगे। तो मित्रों यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, आते हैं, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया समीकरण नंबर 1 व 2 के अनंत हल होंगे, ठीक है, तो चलते हैं आइए तीसरे खंड पर पढ़ लीजिए एक बार आप। तो देखिए मैंने यहाँ पर हल डाल दिया है, ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगी। देखिए जैसे कि 0.0 के 2x + 0.3y
बराबर 1.3 समीकरण नंबर एक हो जाएगी। ऐसे ही मैं सेमी से छाप लेता हूँ, 0.4x 0.5y बराबर 2.3 समीकरण नंबर कितनी होगी, ये दो हो गई। ठीक है, अब मैं यहाँ से देखिए समीकरण नंबर एक से डाल देता हूँ, समीकरण नंबर एक से। ठीक, कोशिश भी कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। तो 0.2x बराबर 1.3 ये नहीं छपा मित्रों, तो इसे हम ये माइनस प्लस में उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो ये आएगा तुम्हारा माइनस के 0.3y 0.3y। तो यहाँ से देखिए ये x यहाँ पर देखिए ये गुणा में तो भाग में जाएगा, तो 1.3 माइनस 0.3y और ये बटे ये जाएगा तुम्हारा 0.2। ठीक, तो यहाँ से मैं लिख दूंगा x का मान समीकरण नंबर एक में, एक में नहीं मित्रों, दो में रखने पर। ठीक, तो इस x के मान को मैंने समीकरण नंबर दो में रख दिया, क्योंकि ये हल करा समीकरण नंबर एक से है, क्योंकि ये प्लस में था उधर मैंने माइनस में पहुंचा दिया, और ये मित्रों ये गुणा में तो ये कहाँ पहुँची है मित्रों, भाग में। तो यहाँ से देखिए समीकरण नंबर दो में रखने पर x का मान समीकरण दो में रखने पर, तो ये 0.4 बस ही है, और ये x के स्थान पर सब मटेरियल रखा जाएगा 1.3 माइनस के 0.3y और बटे नीचे क्या देखिए 0.2 है ये a, और प्लस के 0.5y बराबर उतना 2.3। ठीक, यही अपना। और यहाँ से देखिए इससे कितनी बार गया मित्रों, ये दो बार, कितनी बार में 0.2, और यहाँ पर देखिए 1.3 माइनस के 0.3y और प्लस के 0.5y बराबर 2.3। ठीक, तो इसकी मैं गुणा कर लेता हूँ, देखिए इसका 2.6 आ जाएगा, और 0.3y और प्लस के 0.5y बराबर 2.3। ठीक, तो यहाँ से देखिए ये किसके साथ मैच करेगा, ये प्लस में उधर जाकर के माइनस में हो जाएगा मित्रों, और यहाँ से देखिए यहाँ से नज़र मारिए ये दोनों आपस में एक समूह के हैं, तो ये माइनस का ये प्लस का, तो यहाँ से कितना जाएंगे 0.2y बच जाएगा बराबर कितना 2.3 ये वाला। ठीक है, 2.3 ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का 2.6। ठीक, तो यहाँ से देखिए 0.2y, तो यहाँ से कितना बचा दे बताइए यहाँ से, तो ये बच जाएगा तुम्हारा 0.3 बच जाएगा, क्योंकि 6 में से जब 3 निकालो 3 बचेंगे, 2 में 2 से 0 बचेगी। ठीक है, अब यहाँ से देखिए यहाँ से y बराबर 0.3 बटे कितना ये गुणा में भाग में पहुँचेगा 0.2। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा मित्रों, यहाँ से देखिए और आगे चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए गलत हो चुका है, क्योंकि जब हम पॉइंट के दो की और पॉइंट के 1.3 की गुणा करेंगे तो ये नहीं आएगा मतलब कुछ और ही आएगा, तो यहाँ से अपनी त्रुटि हो चुकी है लगभग देखने पर। तो यहाँ पर जब हम 0.2 की और गुणा 1.3 की गुणा करेंगे तो गुणा तो यही आएगी मित्रों, यही आएगी गुणा तो, मगर दशमलव जो लगेगा मित्रों दो संख्याओं के बाद लगेगा, क्योंकि मित्रों एक और दो संख्याओं के बाद लगेगा दशमलव, यहाँ पर आएगा ये जीरो यहाँ पर आएगी। ऐसे ही सेम एक इसका तो 6 ही आएगा, मगर पॉइंट के इसके बाद में आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है दो संख्याओं के बाद में 0.6। ठीक, इसके बाद में और चलते हैं और आगे को। तो यहाँ से ये हो गया, अब यहाँ से देखिए ये y है, तो y का मान और लिख देंगे हम, y और लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या कर सकते हैं हमसे, तो यहाँ पर ये माइनस है, तो यहाँ पर माइनस, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 0.06। ठीक है, ये 0.06 है वाई बारा, यहाँ पर घटा लेते हैं देखिए पहले, क्योंकि यहाँ से ये वाली चीज़ दोनों एक जैसी हैं, तो यहाँ पर जाएगा 0.06 में से, जब हम क्या निकालेंगे यहाँ पर निकालेंगे 0.5 निकालेंगे। ठीक है, तो 6 का 6 आ गया, यहाँ पर कितना आ जाएगा मतलब इस 50 में से ये तुम्हारा ये वाला इस प्रकार से निकालते हैं, इस प्रकार से निकालेंगे इस ये निकालेंगे हम 0.06 ये निकालते हैं, तो यहाँ पर 0 लगा लेंगे, तो यहाँ पर 10 में 6 का 4 बच गया, यहाँ से एक संदर्भ को दे दिया, यहाँ पर कितना पर 4, तो 4 का 4 आएगा ये आएगा, तो यहाँ पर 0.44y बराबर 2.3 ये प्लस का उधर जाएगा माइनस हो जाएगा 2.6 ये वाला। ठीक, तो यहाँ से देखिए 0.44y, तो यहाँ पर 0 मैंने लिखा नहीं, 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें पॉइंट के बाद में, तो यहाँ पर बताइए कितना बचा, तो यहाँ पर 26 ये तुम्हारा 2.3 है, 2.3 है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा लिया, तो मैंने लिख दिया 2 और 6 यहाँ पर, देखिए यहाँ पर घटा का निशान, तो ये जाएगा 0 यहाँ पर अपनी ओर से लगा लेंगे, यहाँ पर 4 बच गया, यहाँ पर क्या बच गया 0, क्योंकि किसी ने दे दिया यहाँ पर 2 0 और यहाँ पर 2 का 2, तो ये बच जाएगा तुम्हारा 2.04, और यहाँ पर गुणा में तो भाग पहुँचा, यानी कि वाई बराबर इतना 2.04 के नीचे आ जाएगा तुम्हारा 0.44। ठीक, इसके और आगे चलते हैं देखिए।
तो मित्रों मैंने यहाँ हल करा तो ये प्रश्न अपना करेक्ट आ रहा, क्योंकि जिसमें से जब ये निकालेंगे तो पॉइंट के एक बचेगा, जब इससे करेंगे तो ये, क्योंकि गलती अपनी यहाँ पर हो चुकी है, कोई गलती नहीं है हमारे पास में, यहाँ पर गलती हुई है, क्योंकि जब हम पॉइंट के दो से इसको काटेंगे तो पॉइंट का नहीं बचेगा मित्रों। यहाँ पर जब जीरो पॉइंट के चार को मैं जीरो पॉइंट दो से भाग दूंगा तो यहाँ पर दो तो आएगा ही आएगा, मगर यहाँ पर पॉइंट से पॉइंट भी गया तो पॉइंट के दो जीरो नहीं, पॉइंट नहीं आएगा मित्रों, ठीक है। तो यहाँ पर अपनी गलती हो चुकी है, एक बार मैं यहाँ से देखिए दोबारा बता देता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर पॉइंट से तो पॉइंट गया, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बचा, दो बचा पेपर, ठीक है। तो इसके बाद में एक पॉइंट तीन माइनस के जीरो पॉइंट के तीन वाई और यहाँ पर प्लस के जीरो पॉइंट के पाँच वाई बराबर दो पॉइंट तीन, ठीक। तो यहाँ से हो गया। अब यहाँ से देखिए इसके बाद दो पॉइंट के छः और माइनस के जीरो पॉइंट के छः वाई प्लस के जीरो पॉइंट के पाँच वाई बराबर दो पॉइंट के तीन, अब ठीक। तो यहाँ से देखिए यहाँ से कितना बचा, यहाँ से देखिए पाँच में जब छः जाएंगे तो पॉइंट के एक बचेगा, पॉइंट के एक वाई, ठीक है, बराबर यहाँ जीरो भी लगा सकते हैं। तो यहाँ से देखिए दो पॉइंट तीन और माइनस के दो पॉइंट छः, ठीक है, दो पॉइंट छः। तो यहाँ से देखिए क्या बचेगा, तो यहाँ पर बचेगा जीरो पॉइंट के तीन, ठीक। अब यहाँ पर बच रहा है जीरो पॉइंट के एक वाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा वाई बराबर, वाई बराबर जीरो पॉइंट के तीन और जी जीरो पॉइंट के एक, ठीक है। जब मैं इसे पॉइंट से पॉइंट चला जाएगा तो वाई बराबर कितना बच गया, तीन, ठीक है। वाई के मान को मैं समीकरण नंबर एक में रखने पर, यहाँ पर मैं लिख दिया है ये वाई बराबर ए, मैं लिखूँगा वाई के मान को समीकरण नंबर एक में रखने पर। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है वाई के मान समीकरण एक में रखने पर, तो ये वाला मैंने सेम छाप दिया, ये प्लस के जीरो तीन छाप दिया, वाई के स्थान पर कितना पॉइंट तीन छापेंगे बराबर एक पॉइंट के तीन, ठीक। यहाँ से देखिए पॉइंट के दो एक्स जीरो को लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बराबर यहाँ पर एक पॉइंट तीन, एक पॉइंट तीन, ये प्लस का है तो उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा जीरो को तो छोड़ो छोड़ो, तो ये हो जाएगा पॉइंट के नौ, ठीक है। तो यहाँ से देखिए पॉइंट के यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ से देखिए कितना बचा, तो एक पॉइंट तीन में से जब पॉइंट के नौ निकालेंगे हम तो यहाँ से कितना बचेगा, तो यहाँ से कितना बच जाएगा बताइए, यहाँ पर बच जाएगा अपना चार, ठीक है, यहाँ से चार बच जाएगा, पॉइंट के चार बच जाएगा यहाँ से, और ये अपना यहाँ से एक्स बराबर जाएगा पॉइंट के चार और ये गुणा मतलब ये भाग में पहुँचेगा पॉइंट के दो, ठीक है, पॉइंट से पॉइंट गया और एक्स बराबर इस चार दो से चार कितनी बार गया, दो बारी, ठीक है, तो एक्स बराबर ही आ जाएगा। आइए चलते हैं और पाँचवें खंड पर। तो यहाँ पे मैंने ये सवाल छाप दिया है, इसे इन समी इन इसको छाप दिया मैंने इस जगह और इस वाले समीकरण को छाप दिया इस जगह, तो नाम दे दिया एक दो, मैंने लिखा समीकरण नंबर एक से, तो एक समीकरण नंबर एक ये है, तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ, देखिए एक से तो रूट के कितना, यहाँ पर रूट के कितना दो एक्स प्लस के रूट के तीन वाई बराबर जीरो, ठीक है। तो यहाँ पर रूट के दो एक्स बराबर जीरो और ये प्लस का उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो माइनस के रूट के तीन वाई, ठीक है। अब एक्स बराबर माइनस के रूट के तीन और ये नीचे इसके आ जाएगा तो रूट के दो वाई, मैं लूँगा एक्स का मान समीकरण नंबर किस में, एक में या दो में रखने पर, दो में रखने पर, क्यों एक में क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि मित्रों में हमने समीकरण नंबर एक को ही हल करा, एक में मान रखेंगे थोड़ा सा त्रुटि हो सकती है, तो मैं समीकरण लिख दिया एक्स का मान समीकरण नंबर दो में रखने पर, तो दो कौन सी अपनी ये, तो रूट के तीन अपना वैसा का वैसा ही है और यहाँ पर एक्स के स्थान पर पूरा मटेरियल रखा जाएगा माइनस के रूट के तीन बटे रूट के दो और यहाँ पर वाई और माइनस के रूट के कितना आठ वाई बराबर कितना जीरो। तो यहाँ से देखिए तो इसकी मैं अंदर गुणा कर लेता हूँ, तो इसकी इसके साथ में करूँगा तो माइनस के तीन आ जाएगा बटे रूट के कितना दो और वाई माइनस के आठ वाई बराबर जीरो। अब यहाँ से बस सेम वही करेंगे हम, यहाँ से देखिए हर सामान नहीं है, एक बार कैंची गुणा कर लेता हूँ माइनस के तीन और यहाँ से मैं इसकी इसमें करूँ तीन वाई और लिख देता हूँ यहाँ पर माइनस के, अब इसकी इसके साथ में करूँगा मैं जैसे गुणा, तो जाएगा तो यहाँ पर रूट के कितना दो इंटू रूट के कितना गुणा लगा देता हूँ आठ वाई बराबर कितना जीरो। अब यहाँ से देखिए क्या कर सकते हैं, यहाँ से ये माइनस के तीन वाई और माइनस यहाँ से मैं इसके अंदर गुणा कर लेता हूँ, देखिए आठ दूनी सोलह हो जाएगा ये, तो रूट के कितना सोलह वाई बराबर जीरो। अब फिर यहाँ से देखिए माइनस के तीन वाई और यहाँ पर ये सोलह, तो ये सोलह को मैं इस तरीके से लिखता हूँ चार, यहाँ पर चार और यहाँ पर गुणा चार, तो ये आ जाएगा चार का पावर दो, इस तरीके से वर्ग से करंट कट जाएगी, तो यहाँ पर यह बच जाएगा तुम्हारा रूट के चार
और इसका होल वर्ग और वाई। ठीक, तो यहाँ से मैंने ऐसे कर लिया बराबर जीरो। अब यहाँ से देखें माइनस के तीन वाई और यहाँ से वर्ग से कर निकट गई तो यहाँ पर हो जाएगा चार वाई बराबर जीरो। तो यहाँ से देखिए माइनस के कितना होगी, ये हो जाएगा माइनस के कितना, सात वाई बराबर जीरो। तो वाई बराबर कितना जाएगा, जीरो। ठीक है, तो वाई बराबर ये अपना जीरो, यहाँ से वाई बराबर जीरो हो गया। तो यहाँ पर देख लिया होगा आपने, ये मैं दिखा देता हूँ एक बार जूम करके देखिए, ये देख लीजिए मैंने यहाँ से हल करता हुआ चला गया। तो यहाँ से माइनस के तीन वाई और माइनस के चार वाई, तो बराबर सात वाई बराबर जीरो। तो यहाँ से जब ये गुणा में तो भाग पहुँचेगा, जब जीरो को मैं भाग दूंगा, जीरो जीरो को भाग दूंगा किससे, सात से, तो जीरो ही बन जाएगा। तो वाई बराबर जीरो आएगा। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर, देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है वाई का मान समीकरण नंबर एक में रखने पर। तो वाई को अपनी वाई का मान जीरो समीकरण नंबर एक का यहाँ पर है, यहाँ पर तो रूट के कितना ये हो जाएगा, रूट के दो एक्स प्लस के रूट के तीन गुणा यहाँ पर जीरो बराबर जीरो। ठीक है, तो यहाँ पर रूट के दो एक्स बराबर कितना, ये जीरो हो जाएगा। और यहाँ पर भी ये एक्स बराबर, यहाँ पर देखिए मैं एक बार लिख देता हूँ, प्लस के जीरो बराबर जीरो, क्योंकि ये जीरो बन गया। अब यहाँ से देखिए रूट के दो, तो यहाँ पर बराबर जीरो, रूट के दो ये है, तो एक्स बराबर कितना, जीरो बटे रूट के दो। तो यहाँ पर जब इसे मैं भाग करूँगा तो जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स समीकरण सवाल नंबर अपना ये हो गया। आइए छठे पर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने समीकरण सवाल एक ही होगा, सवाल नंबर इक्वेशन नंबर एक, इक्वेशन नंबर दो। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, तो यहाँ पर देखिए पहले मैं छाप देता हूँ, यहाँ पर लिखूँगा तीन बटे दो एक्स माइनस के पाँच बटे तीन वाई बराबर माइनस के दो। ठीक है, कैंची गुणा कर लेता हूँ, देखिए यहाँ से मैं कैंची गुणा कर देता हूँ, तो तीन तीन नौ हो गए, नौ एक्स, और ये हो जाएगा माइनस के दस वाई बराबर माइनस के दो। तो यहाँ भी इन दोनों गुणा कर लो तो ये छः हो जाएगा, एक बटे कर कैंची गुणा इस किसी में कर लेंगे हम गुणा एक बार। तो यहाँ से देखिए एक बटे कैंची गुणा फिर करूँगा मैं, जाएगा नौ, ये जाएगा नौ एक्स माइनस के दस वाई और बराबर कितना, छः दूनी बारह। ठीक, तो समीकरण नंबर हो जाएगी अपनी एक ये। ठीक, अब मैं उस वाली को छाप देता हूँ, देखिए इक्वेशन वो छाप देता हूँ मैं, देखिए यहाँ से तो जाएगी अपनी कैंची गुणा कर लेता हूँ, देखिए यहाँ पर जाएगा तुम्हारा, यह छाप देता हूँ एक्स बटे तीन और यहाँ पर प्लस के वाई बटे दो बराबर तेरह बटे छः। ठीक है, कैंची गुणा कर लेता हूँ, देखिए दो एक्स प्लस के तीन वाई बटे कितना, छः बराबर तेरह बटे छः। ठीक है, तो यहाँ से देखिए छः से तो छः चला जाएगा, तो ये जाएगा दो एक्स प्लस के तीन वाई बराबर कितना, तेरह। समीकरण नंबर हो जाएगी सेकंड। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ से समीकरण नंबर दो, से समीकरण नंबर दो यही है। तो यहाँ से दो एक्स बराबर तेरह, ये प्लस का है तो उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो माइनस के तीन वाई। ठीक है, तो एक्स बराबर यहाँ पर तेरह माइनस के तीन वाई और बटे यहाँ से नीचे कितना है दो। ठीक है, मैं लिख दूंगा एक्स का मान, एक्स का मान समीकरण नंबर एक में रखने पर। ठीक है, एक अपनी यही हो जाएगी, ये समीकरण नंबर ये, तो नौ नौ यहाँ से हो जाएगा तुम्हारा। तो देखिए यहाँ पे मैंने नौ वैसा का वैसा ही है, एक्स के स्थान पे क्या रखना, देखिए एक्स के स्थान पे रखना तेरह माइनस के तेरह वाई। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं तेरह माइनस के तीन वाई बटे कितना, तेरह माइनस तीन वाई बटे दो। ठीक, और माइनस के दस वाई बराबर माइनस के बारह। ठीक है, तो यहाँ कर लेता हूँ मैं, लिख जाएगा तेरह में एक सौ सत्रह होते हैं, माइनस के नौ या सत्ताईस वाई हो जाएगा बटे दो माइनस के दस वाई बराबर माइनस के बारह। ठीक है, एक बटे कर कैंची गुणा कर लेता हूँ मैं, देखिए एक सौ सत्रह माइनस के सत्ताईस वाई और यहाँ पर कितना जाएगा दस दूनी बीस वाई और बराबर कितना माइनस के बारह। ठीक है, अब बटे नीचे दो। ठीक है, एक बटे करके फिर करेंगे, देखिए यहाँ से एक सौ सत्रह माइनस इस ये कितने हो गए, ये जाएंगे सैंतालीस, क्योंकि जुड़ गए मित्रों, सैंतालीस वाई बराबर कितना बारह दूनी माइनस के चौबीस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये हो गया, अब देखिए माइनस के एक सौ सत्रह पहले मैं इधर छाप देता हूँ, एक सौ सत्रह ये प्लस का दर्शा के इधर का प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का दर्शा के प्लस का हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा बताइए चौबीस बराबर एक सौ नहीं कुल सैंतालीस, कितना सैंतालीस वाई। ठीक है, क्योंकि ये माइनस था उधर जाकर के प्लस का हो गया, ये प्लस का था ये भी माइनस का इधर का प्लस का हो गया, ये उधर पहुँचा दिया। ठीक है, किसी भी कर लीजिए या इसको उधर इस वाली संख्या को उधर ले जाइए, जब भी वही बात आएगी। ठीक है, फिर माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यहाँ से कितना हो गया, देखिए सात चार ग्यारह का एक और जी दो एक तीन एक हासिल का चार
और तुम्हारा फिर इसके बाद में एक का एक आ जाएगा, बराबर कितना बताइए 47, बराबर कितना 47 वाई, तो वाई इसके नीचे आएगा 141 बटे कितना 47, तो यहाँ पर वाई देख, ठीक है। तो तीन से काट के देखते हैं, ठीक है। तो तीन से जब हम काटेंगे देखिए, तो तीन से, तो यहाँ पर मैं तीन से देखिए गुणा करके देख रहा हूँ, तो 47 की गुणा मैं तीन से कर लेता हूँ, यहाँ पर 47 की गुणा मैं तीन से कर लेता हूँ, तो देखिए कितनी बार कटेगा 47 से, तीन बार कट जाएगा, ठीक है। वाई बराबर कितना आएगा 3, क्योंकि मैंने यहाँ पर 47 की गुणा मैंने तीन से करी, तो 3 7 21 और 4 3 12 तो 14, ये 141 आ रहा है, इसलिए मैं तीन से कट जाएगा ये, ठीक है। तो एक्स का जो मान अपना, वाई का मान ये आया, मैं लिख दूंगा वाई का मान समीकरण नंबर कौन सी में रखने पर, कोई सी में भी रख लीजिए, एक में रख दिए दो में रख दीजिए, तो वाई का मान समीकरण नंबर एक में रख देता हूँ, देखिए मैं यहाँ पर लिखूंगा वाई का मान समीकरण नंबर एक में रखने पर, तो 9x माइनस के 10 गुणा कितना 3 माइनस के 12 है, बराबर माइनस के 12, तो यहाँ पर कितना 9x माइनस के 30 बराबर माइनस के 12, ठीक है। तो 9x बराबर कितना माइनस के 12 और प्लस के कितना 30, क्योंकि माइनस के उधर प्लस का हो गया, तो 9x बराबर यहाँ से कितने बच गए बताइए, यहाँ से बच जाएंगे तुम्हारे, यहाँ से बच जाएंगे तुम्हारे 18, ठीक है, 18, ठीक है। तो x बराबर कितना आएगा, इसकी काट दिया तो 2 आएगा, x बराबर कितना आएगा 2, y बराबर 3, x बराबर ये। आइए और अगले खंड पर चलते हैं, देखिए मैंने हल डाल दिया यहाँ पर, अब देखिए मैं समीकरण नंबर ये वाली छाप लेता हूँ, 2x और बटे a माइनस के y बटे b बराबर 2, ठीक है, इसकी कैंची गुणा कर लेता हूँ, 2bx माइनस के ए वाई बटे ए बी बराबर 2, ठीक है, कैंची गुणा कर दिया मैंने मित्रों, ठीक है। तो ये जो है ए और ये जो बी, तो ये अचर शब्द है मित्रों, यही जो आंसर आएंगे इन में से ही आंसर आएंगे, तो यहाँ से एक बटे, फिर कैंची गुणा कर देता हूँ एक बटे करके, ठीक है। तो 2bx माइनस के ए वाई बराबर 2ab, ठीक है, समीकरण नंबर एक हो जाएगी, या मैं यहाँ से पहले, चलो समीकरण नंबर एक होगी, मैं लिख दूँगा समीकरण नंबर एक से, समीकरण नंबर एक से, ठीक। तो यह ऐसा मान लेंगे मित्रों, यहाँ से देखिए ये समीकरण नंबर एक हो जाएगा ये, और यहाँ से मैं छाप दिया, चलो समीकरण नंबर एक ही हो जाएगा, इसे थोड़ा सा और आगे कर दे, समीकरण नंबर एक ही हो गया, और यहाँ से ये एक्स बटे ए माइनस के वाई बटे बी बराबर 4, ठीक है, समीकरण नंबर ये हो जाएगी दूसरी, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ समीकरण नंबर एक से, तो एक ये हो जाएगा 2bx माइनस के ए वाई बराबर कितना 2 बटे कितना नीचे ए बी, ठीक, इससे पहले कैंची गुणा कर दूंगा, तो 2bx माइनस के ए वाई बराबर 2ab, ठीक है। तो यहाँ से x 2b बराबर तो जाएगा 2ab, और ये उधर जा कर के प्लस का ay, ठीक, और जाएगा x बराबर 2ab प्लस के ay और बटे नीचे से ये 2b, ठीक। मैं लिख दूंगा x का मान समीकरण नंबर एक में, एक मिनट, दो में रखने पर, दो में रखने 17 रास्ते हैं मित्रों, एक सवाल के करने के लिए 17 रास्ते। पहले इसको हमें हल कर देता, इसे समीकरण के रूप में, इस के रूप में लिख देता था मैं, प्लस के बी वाई बराबर प्लस के सी बराबर 0, इस प्रकार के रूप में लिख देता था। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है x का मान समीकरण नंबर दो में रखने पर, दो कौन सी, अपनी इक्वेशन नंबर दो ये है, अब मैंने इस x के स्थान पर लिख दिया पूरा मटेरियल मित्रों, ये वाला, ठीक है, ये वाला सिस्टम ये लिख दिया, बटे कितना a माइनस के ए वाई बटे बी, ठीक है। तो यहाँ से देखिए मैं कैंची गुणा कर लेता हूँ, देखिए यहाँ से कैंची गुणा कर लेता हूँ, या देखिए इसके अपनी तरफ से एक बटे करके किस तरह आपसे करते हैं, कैंची गुणा नहीं करते, तो 2ab माइनस के ए वाई और बटे कितना 2b, ये गुणा, तो ये इस तरीका से घूमेगा मित्रों, ये इस तरीका से घूमेगा, तो ये एक बटे ए और माइनस के वाई बटे बी बराबर कितना 4, ठीक। तो अब देखिए यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, तो यहाँ से देखिए ए यहाँ पे भी है, ए यहाँ पे भी, तो मैं यहाँ से ए बाहर ले लिया, तो यहाँ से 2b बच गया माइनस के, यहाँ वाई बच गया और बटे नीचे 2b, ठीक है, गुणा एक बटे ए, ठीक, माइनस के वाई बटे बी, ठीक, बराबर 4, ठीक। तो यहाँ से देखिए ए से ए गया, ठीक है, तो दिया जाएगा 2b माइनस के वाई, और यहाँ से देखिए 2b और यहाँ से माइनस के वाई बटे बी बराबर कितना 4, ठीक है। कैंची गुणा कर लेता हूँ, देखिए यहाँ पर जब मैं कैंची गुणा नहीं मित्रों, एलसीएम ले लेता हूँ, एलसीएम क्या अपना, यहाँ से जाएगा एलसीएम 2b, ठीक। तो यहाँ से ये 2b
माइनस के वाई वैसा का वैसे ही छाप दिया और माइनस के चिन्ह लगा करके मैंने इस वाली चीज़ को भी वैसा का वैसा ही छाप दिया, ठीक है, बराबर चार भी वैसे ही छाप दिया। ठीक, यहाँ पर देखिए इस चीज़ से मैंने भाग दे दिया तो ये सब पूरा कट गया, तो यहाँ पर कुछ नहीं आएगा। कितनी बार में कटा, एक बार, तो एक मैं गुणा यहाँ पर लिख देता हूँ, गुणा मैं एक यहाँ पर लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। माइनस, अब देखिए इससे बी से बी गई, इसके लिए बी से बी गई तो यहाँ पर दो बच जाएगा, तो दो यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब एक बढ़कर इसकी इसके साथ में किसके इसके साथ में, तो ये हो जाएगा दो बी माइनस के वाई, ठीक, माइनस के दो वाई और बराबर ये कितना हो जाएगा आठ बी, ठीक, ये वाला आठ बी, ठीक है। अब देखिए ये वाई वाला बी वाला क्षेत्र को उधर को ले जाता हूँ, ये माइनस के तीन वाई हो गया और ये आठ बी माइनस के दो बी, ठीक, तो यहाँ से कितने हो गए माइनस के तीन बी बराबर कितना हो गया यहाँ से छः बी, तो यहाँ से ये हो जाएगा तुम्हारा, ये कितनी बारी में गया, तो यहाँ से हो जाएगा वाई बराबर माइनस के तीन दो बी, कितना दो बी, क्योंकि इस ये वाई इसके नीचे जाएगा यानी कि छः बी और बटे तीन माइनस इस तरीका से, ठीक है। तो इससे कितनी बार गया वाई बराबर कितना आएगा माइनस के दो बी, ठीक है, तो वाई का मान आएगा माइनस के दो बी। देखिए यहाँ से मैं देख लीजिए एक बार, यहाँ पर देख लीजिए ये इस तरीका से, यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से ये y के गुणांक में कौन था माइनस के तीन, तीन था, तो ये माइनस के तीन गुणांक में तो नीचे भाग में पहुंच गया, यहाँ से इसे काट दिया, तो मैंने कितनी बार करूँ माइनस के दो बी बार में, ठीक है। और आगे चलते हैं, देखिए y का मान समीकरण नंबर कौन से में रखने पर, देखिए मैं बता देता हूँ, तो मैंने लिख दिया y का मान समीकरण नंबर एक में रखने पर, तो ये यहाँ पर दो एक्स बटे ए माइनस के वाई, y के स्थान पर कितना मतलब माइनस के दो बी, तो यहाँ पर मैं माइनस के दो बी रख दिया मैंने y के स्थान पर, अब बटे कितना b बराबर दो, ठीक है। तो यहाँ पर दो एक्स बटे ए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस के, और ये तुम्हारा इससे गया तो यहाँ पर दो बच गया बराबर दो, ठीक है। तो यहाँ पर दो एक्स बटे ए, तो ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो गया, क्या हो गया माइनस का हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा दो माइनस के दो, तो इससे दो से दो गया, तो एक्स दो बराबर जीरो, ठीक है। तो जाएगा तुम्हारा दो एक्स बराबर यहाँ पर कितना जीरो, और यहाँ पर कितना जीरो बटे ए, तो ये गुणा हो जाएगा, तो एक्स बराबर कितना आएगा जीरो, तो एक्स बराबर जीरो आएगा, ये बराबर ये आएगा, ठीक है। तो यहाँ से मित्रों एक्स बराबर जीरो नहीं आएगा, एक्स बराबर दो ए है, मैं आंसर देख चुका हूँ, ये थोड़ी सी त्रुटि हो चुकी है, कहाँ होगी त्रुटि मित्रों, यहाँ हो सकती है हमसे। देखिए यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एक बटे करके यहाँ से कैंची गुणा कर लेता हूँ पहले, ठीक है। तो देखिए दो एक्स प्लस के इसके इसमें कर लेंगे तो दो ए, ठीक है, बटे कितना ए बराबर कितना दो, ठीक, एक बटे करके कैंची गुणा फिर करेंगे दो एक्स प्लस के दो ए, और यहाँ पे बराबर इसकी इसके संग तो दो ए आएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए दो एक्स ए प्लस का उधर जा करके माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ से हम फिर क्या करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा तुम्हारा ये कट गया, तो मित्रों ये तो यही आ रहा है, एक बार और देख चेक कर लेते कहीं से। देखिए मैंने लिखा वाई का मान समीकरण नंबर दो में रखने पर, कौन से में दो में रख देते हैं, देखिए तो इक्वेशन नंबर दो ये है, तो एक्स वैसा का वैसा ही आएगा अपना, और बटे ए माइनस के वाई के स्थान पर कितना रखेंगे माइनस के दो बी, और यहाँ पे बी वैसे का बस है ये बराबर कितना चार, ठीक। तो यहाँ से एक्स बटे ए माइनस के, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये जाएगा प्लस, ठीक। तो यहाँ से जाएगा दो बी और बटे बी बराबर चार, ठीक। तो इससे तो ये गया, तो यहाँ से जाएगा एक्स बटे ए प्लस, तो यहाँ से जाएगा दो बराबर चार, ठीक है। तो एक्स बटे ए बराबर चार माइनस के दो, ठीक है। तो यहाँ से x बटे ए बराबर कितना दो बच गया, और यहाँ से एक बटे करके कैंची गुणा कर लूँगा, तो x बराबर कितना दो ए, ठीक है। तो ये आ चुका है, मित्रों पहली क्वेश्चन से नहीं आया, दूसरे से हमने कर दिया है। मित्रों यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना मित्रों, क्योंकि हम गर्मी में आपके लिए ऐसी ही वीडियो बनाते रहते हैं। नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम।